नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में कर्नाटका हाई कोर्ट से एक बड़ा अपडेट, स्वतंत्र सैनिक की पेंशन को रिस्टोर किए जाने के संदर्भ में आया है। तो जी दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को यहां पर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र सेनानी की पेंशन को जो है वो फिर से रिस्टोर कर दे। तो जी दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट कर्नाटका हाई कोर्ट से निकल कर आया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट पेंशन के रिस्टोरेशन के संदर्भ में यहाँ पर आया है, तो इसके बारे में आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा ये जो बड़ा फैसला स्वतंत्र सेनानी की पेंशन को रिस्टोर किए जाने के संदर्भ में सुनाया गया है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे कि बताया गया है कि कर्नाटका हाईकोर्ट टेल्स एमएचए टू रिस्टोर फ्रीडम फाइटर्स पेंशन। तो जी दोस्तों, कर्नाटका हाईकोर्ट द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फ्रीडम फाइटर की पेंशन को रिस्टोर किए जाने का यहां पर जो है वो आदेश दिया गया है। तो जैसा कि यहां पर कहा गया है कि द हाईकोर्ट हैज डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रिस्टोर स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन टू सेंटरियन एच नागाभूषण राव, अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बेंगलुरु। The petitioner is 100 year old. The report sought by central government has been forwarded. Under the circumstances, keeping in the view pensioners' advances, the Under Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, is directed to pass appropriate order on the state government report and restore Swatantra Sainik Samman pension within 2 weeks of the receipt of the report. Justice P.S. Dinesh Kumar observed in his order. Rao's pension was stopped due to non-submission of life certificate. In a communication issued on March 4, the centre said Rao's pension was deemed cancelled and the state government was asked to give report on whether he is alive or dead. The state said on June 23, a letter had been sent to the Under Secretary saying Rao was alive. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्वतंत्र सैनिक है, तो उनकी पेंशन जो है वो, उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं किया गया था, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर रोक दी गई थी। तो यहाँ पर जो है वो उसे कैंसिल कर दिया था, ऐसा भी कहा गया। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो है वो कोर्ट द्वारा कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट है, तो उसकी कॉपी जो है वो मिलने के बाद जो है वो 2 हफ्ते के अंदर जो है वो पेंशन को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 23 जून को स्टेट द्वारा अंडर सेक्रेटरी को भी एक लेटर भेजा गया है, जिसमें मिस्टर राव जो है वो अलाइव है, ऐसा कहा गया। तो जी दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट से ये जो बड़ा अपडेट स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन को 2 हफ्ते के भीतर दिए जाने का जो ऑर्डर दिया गया था, तो उसी के बारे में जो है वो अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो जी दोस्तों, यहाँ पर एक नागाभूषण राव की जो पेंशन है, तो वो जो है वो उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट ना किए जाने की वजह से यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी, पर कर्नाटका हाईकोर्ट के इस ऑर्डर से जो है वो उनकी अब पेंशन जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। तो ये दोस्तों, ये जो बड़ा अपडेट कर्नाटका हाई कोर्ट से यहाँ पर निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और उसे दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो केस हुआ है, तो इसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।